स्वाद को एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, लेकिन स्विट्जरलैंड वाली खूबसूरती आप सड़कों पर या होटलों की विंडोज से नहीं देख सकते। इसे देखने के लिए आपको ज़रा मेहनत करनी होगी, ज़रा सा पैदल चलना होगा। अस्सलामुअलैकुम, ये है अरसलान, अरसलान जिगर मेरा जो है ये बचपन का दोस्त है, और ये वक़ार, और ये मैं हूँ। इस वक्त मैं हम जो है वो कालाम में है एक होटल में। कल इंशाल्लाह हम एक ट्रैक कर रहे हैं, हाइकिंग पे जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं, हमें कोई पता नहीं, क्योंकि कालाम के आसपास बहुत सारे ट्रैक्स हैं, बहुत सारे लेक्स हैं पहाड़ों में। बस हम निकलेंगे और हम जहाँ भी पहुँच गए वो हमारी कैंपिंग होगी, हम कैंपिंग करेंगे 2-3-4 दिन। इस वक्त हम अभी पैकिंग कर रहे हैं, सुबह हम आपको मिलेंगे रास्ते में और आपको सवाद दिखाएंगे, सवाद की खूबसूरती दिखाएंगे, यहाँ के जो लश ग्रीन फील्ड्स है वो दिखाएंगे, जंगल दिखाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ रहिए, मिलते हैं कल। ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से हमने कालाम बाज़ार पैदल क्रॉस किया और फिर ब्लू वाटर तक रेंट पर गाड़ी ली। यहाँ से हमारा अगला डेस्टिनेशन जानशे मेडोज है, जहाँ पहुँचने के लिए हम 4-5 घंटे ट्रैकिंग करेंगे। हाइकिंग के लिए ये बेहतरीन खुराक है, ये इंस्टेंट एनर्जी है। मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ हमेशा अपने दोस्तों को कि आप जब भी हाइकिंग करें अपने साथ खजूर ज़रूर रखें। अभी जानशे के रास्ते में हम, ये रास्ता काफ़ी दुश्वार है, लेकिन मैंने सुना है कि जब आप जानशे पहुंच जाए तो ये सारी थकावट ख़त्म हो जाती है, इतनी खूबसूरत मेडोज है वो। तो ये लोकल है हमारे साथ, आप लोग जाते हैं वैसे? हाँ बिल्कुल, हमारे 4-5 महीने उधर होते हैं। अच्छा। सीजन में हम उधर माल लेके उधर जाते हैं, बहुत खूबसूरत इलाका। अच्छा, ज़बरदस्त, बेहतरीन। हम वहाँ पे 2-3 दिन गुजारेंगे, कैंपिंग करेंगे, बोन फायर करेंगे, खाना खाएंगे, सोएंगे आराम से, बिल्कुल फ्रेश होंगे, रिलैक्स होंगे, फिर वापस जाएंगे। वो पार्टनर्स हैं मेरे, 2 घंटे से हम कंटिन्यूसली बिल्कुल स्ट्रीट चल रहे हैं। राउंड अबाउट 30-40 मिनट्स तक हम पहुंच जाएंगे, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इतनी मेहनत जो है वो हमने किस लिए की है। मज़ा आएगा। ऑलमोस्ट टॉप तक पहुंच गया हूं मैं। ओह माय गॉड, ये सामने जो दश्त है यहां पे हम जाएंगे, अभी हम कैंपिंग वहां पे करेंगे, रात भी वहां पे गुजारेंगे।
गरम 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 सीख कबाब काम होने को है। और ये बून फायर है, शदीद टर्न है यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे कढ़ाई बनाएंगे, खाना खाएंगे और मैं सो जाऊंगा। और ये जो सामने बंदा बैठा हुआ है, ये वाला, ये देखते हैं कि किस तरह आप सोते हैं। देखते हैं ये जो है ना देखते हैं कि कौन सोता है। ये आज हमारी चौकीदारी करेगा पूरी रात। कोई जानवर आएगा, कोई चीज आएगी तो मैं आपकी हिफाजत करूँ। इस वक्त शदीद ठंड है और ये आप देख रहे हैं कढ़ाई बन रही है। हाँ जी दोस्तों लाला साल ये तो सारी जो है ना जिन की तरह लग रहे हैं इस वक्त। बहुत ठंड है, तकरीबन होगा -5-6 तक होगा। अच्छा बहुत ठंड है, बस इस वजह से जी बताओ यार बहुत ठंड लगाई हुई है, बोन फायर सुबह हो गई है और रात को जो है मैं बहुत सुकून से सोया हूँ। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा। सुभानअल्लाह अरसलान जो है वो सैंडविच बनाने में काफ़ी माहिर हैं, तो ये अभी मेरे लिए बना रहा है। मेरे लिए बना रहे हो ना? नहीं क्यों अब देखा ली ये मेरे। हाँ जी गुड मॉर्निंग लाला और यू फाइन। हाँ दोस्तों कैसी गुजर गई रात? हाँ मजा आया, नींद पूरी हो गई आप लोगों की? पूरी हो गई यार। अब हम नाश्ता कर रहे हैं यार, नौता माला जोड़ो चाय बस जोड़ कर रहा है। मकारा माला फिर डंडा मुंदे की सैंडविच जोड़ कर करने आ रहा हूँ। अब चेहरा वाला कंटिन्यूस